महंगाई ने अशिया खुरनोश के साथ साथ दीगर अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। शादियों में इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान की कीमत को भी पर लग गए। 100 रुपए किलो में बिकने वाले फूलों की कीमत एक ही हफ्ते में 150 तक जा पहुंची। हजामों ने भी कर दी अपने रेट हाई। अवाम महंगाई की इस लहर से परेशान। हफ्ता पहले कोई चीज खरीदने आते हैं, दोबारा आते हैं तो उसका डबल रेट हो जाता है। समझ ही नहीं आती भी अब क्या खरीदें। महंगाई ने डाला गरीब की जेब पर डाका। सादा चाय पराठे का नाश्ता भी हुआ गरीब पर भारी। चाय का कप 25 से 30 जबकि सादा पराठा 15 से 40 रुपए में मिलने लगा। दूध 75 रुपए से 110 जबकि दही 90 से 130 रुपए में दस्तियाब। बढ़ती महंगाई से आवाम ने सर पकड़ लिए। डेरा गाजी खान में टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली। अस्पताल आने वालों के लिए गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एक इंतजार घातक न बनाई जा सकी। पीने के ठंडे पानी का भी बंदोबस्त नहीं। अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन इंतजामिया से नाराज। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियावाली का जहाज चौक पर एहतजाज। मुजाहरे के बायस बन्नू रोड, तलाकंद रोड और सरगोदा रोड ब्लॉक भारी ट्रैफिक की रवानी से हादसात मामूल बन गए। मुजाहरीन का जिला इंतजामिया से भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सादिकाबाद बस्ती मियां में हमसायों का स्कूल मालिक पर तशद्दुद। धरनों से मसल्ला अफराद स्कूल मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वाकये के सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल। एफबीआर ने टैक्स नादहिंदगान को बोगस पासपोर्ट पिन कोड के हसूल के लिए खबरदार कर दिया। टैक्स गुजार को एफबीआर की गैर मुसद्दका साइट पर या किसी गैर मुतल्लिका अफराद और कंपनी को जाती मालूमात न देने की हिदायत। एफबीआर की जानिब से बोगस ईमेल्स के सैंपल जारी। सोशल वेलफेयर दफ्तर हिंदियार खान में हसूल माजूरी सर्टिफिकेट के हवाले से माजूर अफराद के फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड की जानिब से 200 से जायद फॉर्म जमा किए गए। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई शुरू। राजनपुर में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने गंदम कटाई का इफ्तिताह किया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब में रवां साल बेहतरीन पैदावार हुई। हुकूमत किसानों से बेहतर मुआवजे कर गंदम खरीदे। किसान खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुल्तान महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इनरोलमेंट मुहिम जारी। पहली जमात से 12वीं तक 3,65,000 तलबा और तालबात के दाखिलों का टारगेट मुकर्रर। इनरोलमेंट मुकम्मल करने के लिए स्कूल हेड्स को हिदायत जारी। और होम्योपैथिक तरीका इलाज के बाद ही डॉक्टर हनीमैन के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्तान होम्योपैथिक कॉलेज में तकरीब। प्रिंसिपल डॉक्टर फरीदुल हक कुरैशी समेत दीगर ने केक काटा। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर आपको कोटा दू से